गाइस गाइस फाइनली आपके भाई ये पठान मूवी देख लिया है। अभी जस्ट थिएटर से आ रहा हूँ गाइस। लिटरली मैंने मॉर्निंग वाला शो देखा है एंड मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अभी ब्लॉग नहीं बनाया गाइस, बिकॉज मुझे मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था ना रातों से मतलब मूवी देखने का। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ गाइस, एंड गाइस एक बार फिर जाने वाला हूँ मैं दोबारा से मूवी देखने आपके लिए ब्लॉग बनाने के गाइस, जिसके बाद वो ब्लॉग आएगा। अभी फिलहाल मैं पठान मूवी के बारे में बताता हूँ गाइस आपको, क्या बनाया भाई सिद्धार्थ आनंद सर ने, जो हम लोगों को बोला था, जो वादा किया था भाई, उससे नेक्स्ट लेवल, उससे कई गुना ज्यादा दिया है भाई। क्या बनाया यार, गॉड लेवल का मूवी है, गॉड लेवल का। क्या मतलब मुझे तो सबसे बेस्ट इसमें लगा इसका जो बीजीएम है ना भाई, आपको रोंगटे खड़े कर देंगे यार, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, रोंगटे खड़े हो जाते भाई। और जॉन इब्राहिम को जो बोल रहे थे भाई इसको एक्टिंग नहीं आता, जॉन इब्राहिम का लाइफ टाइम बता रहा हूँ सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पठान मूवी के अंदर है। और भाई जब इंटरवल हुआ ना भाई, इंटरवल के बीच में जो सीन है, हम लोग लिटरली ऐसे हम लोग ऐसे खड़े हो गए, जैसे आपको एकदम से अचानक ऐसा गजब का फील आएगा ना गाइस, माइंड ब्लोइंग। दीपिका पादुकोण का जो परफॉर्मेंस है इस मूवी में, माइंड ब्लोइंग ऑसम, क्या परफॉर्मेंस है यार, क्या परफॉर्मेंस। एंड मेरा लिटरली सबसे बेस्ट जो पार्ट था, सबसे मुझे जो अच्छा लगा वो दोस्तों सलमान भाई का एंट्री, भाई जान की एंट्री यार, जैसा नाम है ना वैसा ही एंट्री भाई। सीटियां जब बज रही थी हॉल के अंदर, मेरे आसपास में जो लोग बैठे थे, आपको लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आप 2 घंटे से ऊपर का मूवी आप चैन से नहीं बैठ पाओगे हॉल में, इतना लोगों का प्यार है भाई। जो बायकॉट करने वाले हैं ना छोटे मोटे लोग, उनका तो भाई कट्टा है ऐसे ना भाई, छोड़ो उनका भाई, किंग तो हमेशा किंग खान ही रहेगा, जैसा नाम किंग खान ने अपनी कुर्सी जमा ली है भाई साहब, किंग खान मतलब कि वो राजा है भाई। छोटे मोटे लोग जो बाइकॉट चला रहे हैं वो क्या ही बिगाड़ लेगा किंग खान का, राजा हमेशा बाप ही होता है गाइस। ऑसम, माइंड ब्लोइंग, 5 में से 5 स्टार देता हूँ मैं इस मूवी का, गजब का मूवी है भाई, गजब का। पिछले 4 साल अभी शाहरुख खान जो लेट आए हैं, और ऐसा कमबैक होगा भाई, हमने सोचा नहीं था, हम जो सोच के गए थे ना ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे, भाई पूरा पासा ही पलट दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप सोचोगे कुछ होगा कुछ, सोचोगे कुछ होगा कुछ, मतलब भाई इंटरवल के बाद तो जो हुआ ना, एंड स्पाई यूनिवर्स का इसमें हिस्सा है, आपको पता है वार मूवी, इसमें ऋतिक रोशन, सलमान खान, भाईजान का भी इसमें कैमियो है लगभग आधे घंटे का भाई। और जो मतलब आपको हॉलीवुड वाला फील मिलेगा, जो ट्रेन वाला सीन है, हेलीकॉप्टर वाला सीन है, भाई साहब कैसे कर दिया भाई ये, आप बॉलीवुड में ऐसा नहीं देखोगे कभी भी, कैमरा एंगल भाई फाइट सीन हो रहा है, कैमरा एंगल चारों तरफ से ऐसे कैमरा घूम रहा है भाई, भाई मैं तो शॉक रहा हूँ इस मूवी को देख करके भाई, ऐसा कहीं बना क्या बना दिया भाई, गॉड लेवल का मूवी है, गॉड लेवल का। मैं 101% 1000% आपको बोल सकता हूँ, 1000% भाई, आप जाओ देखने थिएटर में, जो फील आएगा ना, आप वेट बिल्कुल भी मत करो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भाई, ये थिएटर में देखने वाला मूवी है, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद जो लाया है बॉलीवुड वालों ने। अगर आपको हॉलीवुड वाला फील नहीं मिला ना भाई, ऐसा मतलब गाइस रोंगटे आपके खड़े ना हो गए ना, फिर मुझे बताना भाई। जो शाहरुख खान का डायलॉग है भाई साहब, क्या डायलॉग मार रहा है भाई ये बंदा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा, साथ में पटाखे भी लाएगा, इसका मतलब पठान का घर है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में कई अटैक करने आएंगे भाई, घर में घुसेगा तो पठान उसको छोड़ने वाला है भाई, गजब का क्या डायलॉग मारता है भाई। जो सीटियां बज रही है, जो लोगों का रिएक्शन है भाई, क्या बताओ, इतना क्रेज मैंने केजीएफ चैप्टर 2 के बाद पठान के लिए देखा है भाई। इसमें हम लोग 5 में से 5 आउट ऑफ दे सकते हैं गाइस, गजब का मूवी है। और हाँ, इसमें जो मुझे थोड़ा सा हल्का बुरा लगा वो दोस्तों, जो मतलब गाइस ऐसे ही रिपीटेड आपको स्टोरी टाइप का देखने को मिलेगा, पठान का जो स्टोरी है थोड़ा बहुत मतलब आपको लगेगा देखने में कि हाँ थोड़ा बहुत हॉलीवुड टाइप का जो हम लोग देखते रहते हैं मूवी में स्टोरी, वैसा ही टाइप का लगेगा, लेकिन भाई आप बोर हो नहीं सकते, गजब का, माइंड ब्लोइंग, जो भी आप बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, गजब का मूवी है भाई। भाई एक चीज ऐड करना भूल गया था, सलमान खान का जो किसी का भाई किसी की जान मूवी आने वाला है ना, उसका भी ट्रीजर गाइस लिटरली इसके क्लाइमेक्स फिल्म एंड होने के बाद इसको भी रिलीज किया गया, इसका ट्रीजर गाइस खतरनाक लेवल का, सलमान भाई का अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान का ट्रीजर नेक्स्ट लेवल है गाइस, इसमें रिलीज किया गया है भाई, हम लोगों ने तो देख लिया, आप भी जाइए एंड देखिए, टिकट खरीदिए। तो लाइक कर देना वीडियो को, यही था रिव्यू, एंड नीचे कमेंट करके बताना आपने देखा नहीं देखा। और दोस्तों मैं जाने वाला हूँ एक बार फिर से इस मूवी को दोबारा देखने आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने, सिर्फ और सिर्फ, तो उसके लिए भी वेट करना, गजब का ब्लॉग आने वाला है। तो हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना आपको ब्लॉग चाहिए कि नहीं,
अगर चाहिए तो अपलोड करूंगा, नहीं चाहिए तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।